सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज की वीडियो ना आज तक की सबसे तगड़ी वीडियो होने वाली है, और भाई ऐसी वीडियो ना तुम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि भाई आज की इस वीडियो में ना मैं एक नहीं, दस नहीं, बारह से भी ज़्यादा स्ट्रीमर्स को भाई पकड़ पकड़ के पेलने वाला हूँ। और भाई इनमें से कुछ स्ट्रीमर्स तो ऐसे भी है जो कि भाई हर सीज़न कॉन्क्रीट के टॉप लीडर बोर्ड में बैठे रहते हैं। तो भाई अभी तक तुम लोग समझ ही गए होगे कि आज की वीडियो कितनी ज़्यादा क्रेजी होने वाली है। तो अभी वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो भाई तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई तुम में से 70% बंदे तो भाई चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ही वीडियो देखते हो। तो यार अगर तुम लोगों को मेरा कंटेंट, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तुम्हारा एक एक सब्सक्राइब ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलो अभी वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो अपनी सबसे पहली फाइट होने वाली है शेल्टर के पास की। तो भाई मेरे सामने वाले कंपाउंड्स में बंदे थे, तो अभी सबसे पहले तो मुझे सामने घर पर एक बंदा स्पॉट हुआ था, तो मैं लेफ्ट में एक स्मोक करता हूँ, क्योंकि भाई नीचे ना वॉल पे वहाँ पे बंदे कैंप करके बैठे रहते हैं, तो मुझे वहाँ पे गोली पड़ सकती है। भाई इसने बहुत गंदा मारा ग्रूट इसने, मैं तेरे को बता भी नहीं सकता। 8 की केडी जो इसने मारा है ना भाई, तेरे को बता भी नहीं सकता। अरे ग्रूट क्या प्लेयर था बंदा वे, ना बोलो गाड़ मारी हवा में गाड़ गया वो भाई, माँ कसम 1 HP डाल दिया वो। तो अपनी अगली फाइट होने वाली है याशनाय की। तो मैं याशनाय में यहाँ पे आराम से लूट कर रहा था, तभी यहाँ पे एक स्ट्रीमर की स्क्वाड मुझे पहचान लेती है। सॉरी बाबू, अरे ये तो वो है ना, सॉरी बाबू तो ये वो है भाई, क्या नाम था उसका, पिक्सी ओपी। अभी यहाँ पे मुझे इन बंदों के फुटस्टेप्स आ जाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से लेवल 3 की वैश खरीदता हूँ, और उसके बाद मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। और भाई ये लोग यहाँ पे मुझे स्पॉट कर चुके थे, मुझे पता था मेरे ऊपर नेड़ आएंगे, तो मैं फटाफट से यहाँ से निकलता हूँ। और भाई अभी ये लोग अपना कंटेंट बनाने के चक्कर में मेरे ऊपर सीधा रश कर देते हैं, तो अभी देखना। यही है पकड़ो इसको पकड़ो। अरे यार, अरे 1v4 कर देगा वो, रियल है वो भाई, को मारना पड़ेगा। भाई को मारना पड़ेगा। वो भाई वो गंदा मार दिल दे। जी भाई करवा लिया 1v4, अब कल वाली क्लिप में हम ही आएंगे। तो भाई मैं जस्ट रिकॉल होकर पोचिंग गेम में कूदा था, और यहाँ पे मैं अपनी लूट कर ही रहा था, तभी एक स्ट्रीमर की स्क्वाड मेरे ऊपर रश कर देती है। अरे यार, ओ इधर ही है, खतरा है।
तो भाई मैं आ जाता हूँ अपार्टमेंट में, और भाई यहाँ पे ना मेरे ऊपर पूरी की पूरी एक स्क्वाड बैठी हुई थी। घुसना क्या? कहाँ से मार दिया? बाहर गया वो। हील कर रहा है। अब यहाँ पे दब दब ने मुझे ऑलमोस्ट धोखा दे ही दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं 1 HP हो जाता हूँ। तो मैं पीछे आता हूँ हील करने के लिए, पर भाई ये लोग ना भाई रुकने वाले नहीं थे, ये सीधा मेरे पे रश कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं 1 HP हो गया था, तो ये लास्ट वाला बंदा मुझे मार देता है, पर मेरे पास रिकॉल था तो मैं वापस आ जाता हूँ अपना बदला लेने के लिए। और भाई अभी देखना और इसी के साथ तुम्हारे भाई का यहाँ पे हो जाता है बदला पूरा। अभी गाइस मैं होता हूँ कोचिंग की पीछे वाली साइड पे, और भाई यहाँ पे ना सामने वाले कंपाउंड पे एक पूरी की पूरी स्क्वाड बैठी हुई थी, जिनका एक बंदा गाड़ी लेके पीछे फ्लैंक मार जाता है। तो मैं फटाफट से गाड़ी उठाता हूँ और जो पीछे बंदा फ्लैंक मारने गया है ना उसके ऊपर रश कर देता हूँ। अब इसको तो यहाँ पे पेल दिया, अब बारी थी इसके टीममेट की जो कि इसको पीछे से कवर दे रहा था। अभी मैं फटाफट से गाड़ी उठा के सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ। मैं पैदल निकल रहा हूँ, तुम जाओ। अभी एक स्क्वाड यहाँ पे थर्ड पार्टी करने आती है। अभी यहाँ पे दो नॉक कर दिए थे, इनका लास्ट बंदा सामने शेक पे था। और भाई इसी के साथ इन बंदों को भी खेल खत्म कर देते हैं। अभी गाइस मैं था जॉर्जो पूल में, पर तभी पीछे से बंदे के M24 चलाने की साउंड आती है। तो मैं सोचता हूँ कि यार यहाँ पे तो बंदे वैसे भी कैंप करके बैठे हुए हैं, तो सीधी सी बात है इन बंदों से फाइट लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं सोचता हूँ कि जो बंदे पीछे से M24 चला रहे हैं पहले उनको पेलते हैं। तो फटाफट से मैं निकल जाता हूँ उन बंदों को पेलने के लिए। तो सबसे पहले तो इस बंदे को पकड़ते हैं। अब बारी थी पीछे M24 चलाने वाले बंदे की। अभी सामने बंदा स्पॉट हुआ तो मैं जाता हूँ उस बंदे को मारने के लिए, पर तभी मैं देखता हूँ कि भाई ये लोग सामने स्क्वाड हाउस पे पहुँच चुके हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से भाई स्मोक वगैरह करता हूँ और पहुंच जाता हूँ इन बंदों पे रश करने के लिए। और यही था वो M24 वाला बंदा। और सही बताऊं तो भाई इस बंदे से ना यहाँ पे बहुत ही इंटेंस फाइट होने वाली है, तो अभी एंजॉय करो। अभी यहाँ पे मैं लो हो चुका था, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हीलिंग करता हूँ। और जैसे ही मेरी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है ना भाई मैं चले जाता हूँ इन बंदे को पेलने के लिए। और भाई अभी देखना इनको कैसे पेलता हूँ। और अभी एक बार भाई की बातें सुनना। तुम अम्मा को जॉर्जपुल में है, जॉर्जपुल कंटेनर्स में आके दिख। अभी यहाँ पे बंदा बोलता है कि इसका आखिरी टीममेट जॉर्जपुल में है और वो मेरे को आके मारेगा। तो मैं पहुंच जाता हूँ सीधा गाड़ी उठा के जॉर्जपुल में, और यहाँ पे तो भाई मुझे इसका बंदा दिखता नहीं है।
पर पीछे सिटी से फायरिंग की साउंड आ रही थी तो मैं सोचता हूँ कि भाई सिटी वाले बंदों को ही मार लेते हैं, पर तभी मुझे इनका आखिरी बंदा स्पॉट हो जाता है। और भाई अभी देखना, क्या भाई यही था किसका बंदा भाई, ये तो शुरू होते खत्म हो गया यार। तो भाई अपनी अगली फाइट होने वाली है एक ऐसी स्क्वाड के अगेंस्ट जिसके कि चारों बंदे स्ट्रीमर थे, और भाई ये चारों ही ना हर सीजन कॉन्करर पे टॉप पे बैठे रहते हैं। तो अभी देखना तुम्हारा भाई इनको कैसे पेलता है। ये यो मेरे पोट अभी यहाँ पे मैंने इनके बंदे तो नॉक कर दिए थे और भाई इनको अच्छा खासा डैमेज भी दे दिया था, पर मैं यहाँ पे वन एचपी हो जाता हूँ तो सबसे पहले तो भाई फॉल बैक करके हीलिंग करता हूँ। और भाई जैसी मेरी हीलिंग कंप्लीट होती है ना मैं सीधा बंदों पे रश कर देता हूँ। और भाई अभी देखना यहाँ पे गलत सीन होने वाला है। வாங்க வண்ணச்சி தான் வாங்க ப்ரோ மாஸ் ப்ரோ और इसी के साथ तुम्हारा भाई इन चारों कॉन्करर प्लेयर्स को ना भाई 1v4 कर देता है। और भाई लास्ट जोन में ना हम लोगों की दोबारा से फाइट होती है, तो भाई अभी फाइट को एंजॉय करो। और भाई यहाँ पे ना मैं बहुत ही गलत जगह फंसा हुआ था, मतलब मेरे चारों तरफ बंदे ही बंदे थे। और भाई मैं जिस घर में हूँ ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा खिड़कियाँ हैं कि अगर मैं एक सेकंड के लिए भी भाई खड़े होऊंगा ना तो भाई मेरे को चारों तरफ से गोली पड़ेगी। अभी सबसे पहले तो यहाँ पे मैं स्मोक्स वगैरह कर लेता हूँ ताकि मुझे खिड़कियों से गोलियाँ ना पड़े। எப்படி ப்ரோ அடிக்கிறான் அவன்? अभी राइड में मैं एक बंदा नॉक करता हूँ और मैं नॉक करते ही ना वहाँ पे सीधा रश कर देता हूँ। और भाई ये ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो तुम लोग समझ जाओगे। अभी इन बंदों को तो मैंने यहाँ पे मार दिया था, पर लेकिन जिस घर में मैं था ना वहाँ पे आ जाता है उस स्ट्रीमर की स्क्वाड का आखिरी बंदा,
और भाई तुम्हें पता ही है यार, उधर से यहाँ पे ग्रेनेड्स वगैरह करना कितना ज्यादा आसान होता है। अब फटाफट से यहाँ पे मैं स्मोक्स वगैरह करता हूँ ताकि उस बंदे पे रश कर सकूं। पर भाई पीछे कैंपर बैठा हुआ था और ये मुझे 1 HP कर देता है। और भाई यहाँ पे ना इस बंदे ने यहाँ पे मेरा गेम खराब कर दिया। अब क्योंकि मैं हीलिंग कर रहा था तो ये बंदा पहले गोली चला देता है और मैं यहाँ पे मर जाता हूँ। पर कोई बात नहीं गाइज, मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक बोनस क्लिप। अब गाइज इस क्लिप में ऐसा सच कुछ मेरा POV देखने की जरूरत नहीं है, बस मुझे तुम्हें इस बंदे की ना बातें सुनानी थी। अभी तुम इस बंदे की बात सुनना एक बार। ऊपर क्यों नहीं है? भाई यहाँ पे मैंने पहली बार किसी यूट्यूबर को मारा है, तो भाई फटाफट से इसी बात पे भाई वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो या फिर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि भाई मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह भी करता रहता हूँ और भाई आगे भी मैं रेगुलर लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ, तो भाई आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी यार इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मैं 1 महीने से भाई इस वीडियो के लिए क्लिप्स इकट्ठा कर रहा था। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो भाई एक शेयर कर देना। मैं शेयर करने के लिए कभी नहीं बोलता हूँ पर भाई इस बार बोल रहा हूँ। और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो यही तो मुझे जो आपसे कहना था। बाकी यार मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।